आज केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नूतन जातीय शिक्षानीति 2020 प्रमुख पदक्षेप को शुभारंभ करसतु देखा कौन सब पदक्षेप नहीं केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। हम पूर्णांग हुए कि नहीं हुए, मैं मानता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी का एक लेखा जोखा है, उसी का एक विचार बिंदु है, उसी का एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। ये कोई आंकड़ा प्राप्ति करने का एक मसौदा नहीं है, ये 21वीं सदी को भारत की 21वीं सदी में भारत की भारतीय मूल्य व्यवस्था की और भारत की नागरिकों की नेतृत्व में विश्व कल्याण हो ऐसा एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और जब हम शिक्षा के बारे में भारत में चर्चा करते हैं, शिक्षा कोई अंक गणित या डिग्री प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, परंतु ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के माध्यम बने, ऐसी अवधारणा सदियों से भारत की जीवन में है, भारत की परंपरा में है। उसी को इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसी को भारतीय शिक्षा, जिसको अभी अभी, मैं जब अभी अभी मैं कहता हूं, मैं संत कवि भीमो भोई को याद करता हूं, मैं श्री अरविंदो को याद करता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जी को याद करता हूं, मैं महात्मा गांधी जी के मौलिक शिक्षा के बारे में याद करता हूं, या मैं जिस प्रांत से आता हूं उस प्रांत की पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास जी की को याद करता हूं। ये सभी ने भारत की आत्मा को प्रस्फुटित करने के लिए इसी सारे विषय, इन्हीं सारे विषयों को शिक्षा में याद किया है। और मैं मानता हूं 21वीं सदी में हम सभी के लिए, जिस प्रक्रिया से मैं इस मोह में रहता हूं बार बार, संविधान सभा के उपरांत अगर आजाद भारत में सर्वसम्मत से नियर टोटल कॉन्सेंसस की अप्रोच में से अगर कोई मसौदा बनी है तो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और हम सभी के लिए सौभाग्य है, हम उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1 साल 1 महीना पूरा करने की ओर है। और स्वाभाविक है, कोई भी विषय जब हम लेके चलते हैं उसको थोड़ा इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में थोड़ा पीछे मोड़ के दिखने की आवश्यकता होती है। उपलब्धि क्या हुई, जो सोचा गया था उस दिशा में है या नहीं है, या इस प्रकार की सामाजिक विषयों की जो डायनेमिक्स रहती है, जो चुनौतियां रहती, उस चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम नित्य इवोल्यूशनरी प्रक्रिया में है कि नहीं है, हम खुद को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारा विषय उसे जुड़ा रहता है। आज मैं दोनों विभाग को धन्यवाद देता हूं, कम समय से ही, मैं पिछले 7 साल में सरकार में काम कर रहा हूं और मेरे से बहुत अनुभवी लोग यहां बैठे हैं। कोई भी सरकार आजादी के उपरांत जो नीतियां बनाई है, कभी गलत उद्देश्य से नीति नहीं बनती है, उसकी प्रीफेस से उसकी एंड चैप्टर तक एक विजन रहती है, एक उत्साह रहती है, लेकिन चुनौती रहता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, उसको क्रियान्वयन करने में। और इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछले 75 साल में ऐसे कई सारे अच्छे मसौदा फाइल के अंदर छुपी हुई है, कल्पना कल्पना में ही रह गया है। लेकिन मैं अगर एनईपी को देखता हूं, जिस प्रकार से आज हम 5 उपक्रम को आपके सामने एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड के नाते, ये कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, हम रिपोर्ट कार्ड के नाते प्रजातंत्र में पब्लिक डोमेन में सर्वसम्मुख अपने कामों के बारे में विनम्र प्रतिवेदन करना एक जिम्मेवारी बनती है। आज ऐसे ही कुछ काम हमने पूरा किया है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि हमने एनईपी के आधार पे पिछले 1 साल में क्या किया उसकी एक डॉक्यूमेंट बना के हमने सर्व सम्मुख रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। ये कोई जरूरी नहीं है हम अपना बात को पूरा कर लिए, इसकी वादा क्लेम हम कर रहे हैं, यह हमारा, हमारी प्रयास है। आप उसको परामर्श और समीक्षा
कर भी सकते हैं, परामर्श दे भी सकते हैं। हमने निपुण भारत जैसे फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरोलॉजी, तीन क्लास तक बच्चा, आखिर भारत में 2.5 करोड़ बच्चे हर एक साल स्कूल इकोसिस्टम पे ज्वाइन करते हैं, एंड ये लगभग 7.5 करोड़ यानी हम कोई मैंने विश्व की कई बड़े बड़े अर्थनीति की समूचा आबादी उतनी होती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर हम 75 मिलियन कहते हैं, वो अपने आप में, अच्छा इतने स्कूल बच्चे क्लास 1-3 में हैं, ऐसे बच्चों की फाउंडेशनल कोर्स मजबूत हो, उनमें से और क्लैरिटी आए, पढ़ना लिखना अंक गणना की स्पष्टता बढ़े, ना केवल विद्यार्थी शिक्षकों के अंदर भी वो गुण आए, उसकी एक शायद एक स्पेसिफिक कॉन्क्रीट विषय आज हमने क्या उसमें करने वाले हैं।